सबका एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज मेरा सीडीपी स्टेट का से स्टेट का एसएसटी का सेट एपिसोड नंबर 16 है साथियों। सचिन सर का नोट्स का है, अगर 1 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं देखे तो प्लीज़ एग्जामपुर 91 पर जाके शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद एपिसोड 16 देखिए जो कि 2024 का स्टेट के लिए एसएसटी के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि आपका सचिन सर के नोट्स का है। किसका है? सचिन सर के नोट्स का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई है साथियों। चलिए हम लोग आप बिना समय गुजारे हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, देख सकते हैं सामाजिक अध्ययन है साथियों, ध्यान से पढ़िए और कमेंट कीजिए साथियों। चलिए डायरेक्ट हम लोग आप क्वेश्चन के चलते साथियों, आपका क्वेश्चन 191 नंबर से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा साथियों? 191 नंबर से स्टार्ट होगा साथियों। क्या बोला गया है देखिए, क्वेश्चन 91 नंबर में देखिए बोला गया है आपका, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संपत्तियों का प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करता है साथियों? कौन सा होगा आपका साथियों? आपका हो जाएगा आंसर, दूसरा हो जाएगा साथियों आपका ए और बी हो जाएगा। क्या होगा? ए और बी, ए बी और सी होगा साथियों। क्या बोला गया बी में? मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? सही बात है, अपने अवलोकन में से उदाहरण दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन सी में बोला गया है, आंसर सी में बोला गया है, जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाता है तो अपने अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्यों कर सकती है, सहायता के लिए क्या कर सकती है साथियों? दोनों आपका जो है अधिगमकर्ता के लिए कौशल का आकलन है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है रूब्रिक्स के बारे में कथन, निम्न कथन को पढ़िए साथियों। आपका सब सही हो जाएगा साथियों। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। क्या बोला गया है? ए बी सी में देख सकते हैं बोला गया है, ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ाता है। सही बात है, रूब्रिक्स ये आकलन को पारदर्शिता को बढ़ाता है। सही बात है, ये आकलन को व्यक्तित्व प्रकृता को घटाता है। सही बात, व्यक्ति प्रकृता को घटाता है। नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, एक परियोजना कार्य में आकलन किया जाता है, एक परियोजना कार्य में आकलन किया जाता है साथियों। आपका हो जाएगा ए बी, दोनों हो जाएगा, मौखिक प्रदर्शन द्वारा और लिखित रिपोर्ट द्वारा, दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। आंसर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल बोला गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता, द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता, समाचार पत्र को में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा जो होता है द्वितीयक पत्र में होता है। क्या होता है साथियों? द्वितीयक पत्र में होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया, कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने की सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय है साथियों। आपका स्रोत की प्रामाणिकता भी हो जाएगा साथियों, उसके बाद पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता भी हो जाता है, और उसके बाद आपका डी नंबर हो जाएगा, रुचि उत्पन्न करने में हो जाता है साथियों। आपका ए हो जाएगा सही, उसके बाद बी सही हो जाएगा, उसके बाद डी सही हो जाएगा, आपका सी सही, उदाहरण की मात्रा सही नहीं होगा साथियों, इसलिए आपका बी सही है आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंतन का विषय हो सकता है साथियों? आपका हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित होता है साथियों। गहन चिंतन क्या होता है? अधिगमकर्ता केंद्रित होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया है, सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थक होता है, क्या सार्थक है साथियों? आपका विषय वस्तु रटने से बचना, सही बात है, विषय वस्तु रटने से बचना, नहीं जितना समझेंगे उतना बढ़िया रहेगा, रट रहा वह चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं रहता है साथियों। सही बात। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, हाशिए वाले समूह में जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशील और जागरूकता प्रोत्साहन किया जा सकता है साथियों। इसका आंसर क्या होगा साथियों? एक नंबर हो जाएगा आंसर, यानी ए और बी। आपका ए में क्या बोला गया है? हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारणों की पहचान करने के द्वारा, सही बात है। उसके बाद विद्यार्थियों से हास्यकृत समुदाय की पहचान करने के द्वारा, दोनों सही हो जाएगा साथियों। ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा, और सी आपका गलत हो जाता है साथियों। यहाँ आहात नहीं दिया हुआ है, इसलिए गलत हो गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों।
नेक्स्ट वाले बोला गया है, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन से उदाहरण आप विज्ञापनों परिचर्चा में रूढ़िवादित लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे साथियों? आपका ए हो जाएगा ए और बी। एक कार बेचने की गाड़ी चलाती महिला। उसके बाद बी नंबर में है, एक परिष्कृत तेल बेचने में खाना बनाती हुई पुरुष। दोनों आपका हो जाएगा रूढ़िवादी का उदाहरण है साथियों, दोनों आपका रूढ़िवादी का उदाहरण होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते साथियों। नेक्स्ट वर्ड बोला गया है, कक्षा में अखबार पढ़ने का क्या उद्देश्य हो सकता है? आप जानते हैं साथियों क्या उद्देश्य हो सकता है? आपका एक नंबर हो जाएगा, समाचार और रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। सही बात है साथियों, समाचार पढ़ने से आपका जो है विकास होता है, समझ होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया, ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन की थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए उससे उपयुक्त संदर्भकर्ता अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है साथियों? आपका एक आंसर एक सही हो जाएगा साथियों, कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, कक्षा की दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा साथियों? सर्वाधिक उपयुक्त होगा आपका आंसर हो जाएगा साथियों, तीन नंबर। बोला गया, कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देने और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना रखने या उत्तर देने के लिए करना साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। निम्नलिखित बोला गया है, विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे साथियों? कपूर का सवाल है साथियों, आपका सी और डी सही हो जाएगा। बोला गया, बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो या कार्य करता हो, वृत्त चित्र पर्दे पर दिखाएं एवं परिचर्चा कराएं। सही बात, जितना चर्चा कराइएगा उतना बच्चे को समझ होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व कार्यों को पढ़ते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए साथियों? आपका चार सही हो जाएगा, स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए साथियों। सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कक्षा में समानता को बढ़ाने का प्रोत्साहित कथन ए में बोला गया है, समावेशित माहौल स्थापित करना। कथन बी में बोला गया, अधिगम शैलियों को क्षमताओं को समायोजित कर लेना। ए और बी दोनों सही हो जाए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त है साथियों? आपका तीनों सही हो जाएगा साथियों। सरकारी अस्पतालों का एक दृश्य, एक महलों के साफ सफाई की स्थिति, उसके बाद पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, भूगोल एक ऐसी विद्या है, विशेष है जो मनुष्य और उनके वातावरण के बीच संवाद का अध्ययन कराता है। सही बात है। उसके बाद उपयुक्त कथन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा वैध होगा साथियों? देख सकते हैं कौन सा वैध, इसका आपका हो जाएगा दो नंबर साथियों। कथन लैंगिक भेदभाव पूर्ण है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, निम्नलिखित ये कथन पर ध्यान दें और सही विकल्प का चयन करें। आपका हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा साथियों, ए भी सही हो जाएगा और दो भी सही हो जाएगा। ए में बोला गया है, सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। सही बात है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों के विवेचनात्मक, नैतिक एवं
मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिनसे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहे। दोनों सही हो जाएगा साथियों, ए भी सही है और बी भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया, यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं, कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं साथियों। सही बात है साथियों, कौन सा ले सकते हैं हम लोग, तीन नंबर ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं हम लोग, तीन नंबर ले सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं साथियों, इसके अलावा हम कुछ नहीं ले सकते हैं साथियों। सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में बोला गया, छात्राओं में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है साथियों। आपका हो जाएगा पुरुष भरतनाट्यम नृत्य। सही बात है, पुरुष भरतनाट्यम सिद्ध हो जाता है, आपका रूढ़िवादी धारणा का चुनौती एक नंबर हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य साथियों, विद्यालय में बच्चे के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना। उसके बाद बोला गया साथियों, उसके बाद है बच्चे को भूख की समस्याओं कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना। उसके बाद बच्चे की व्यापक कुपोषण के स्तर को कम करना। आपका ए और सी डी सही हो जाएगा साथियों, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, बी गलत है साथियों, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया है, कथन ए और कथन बी को पढ़िए विकल्प बोला गया साथियों, स्टेटमेंट का सवाल है, पढ़िए ध्यान से। बोला गया, सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय की कक्षा में समस्याओं और प्रतिक्रियाओं पर कथनात्मक वृत्तांत और व्यक्तित्व अध्ययन या बच्चे के अनुभव पर आधारित अभ्यासों को जोड़ते हुए चर्चा की जाती है। सही बात है। और बोला गया है, बच्चे ठोस अनुभव के मध्य से सर्वोत्तम सीखते हैं। दोनों सही हो जाएगा साथियों, स्पष्टीकरण भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित में से शांत सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग की जाने वाली उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध कराते हैं साथियों। कौन सा हो जाएगा विस्तृत उपलब्ध कराते हैं, आपका हो जाएगा दो नंबर साथियों, केवल बी सही हो जाएगा साथियों। बोला गया, नमक आंदोलन उपनिवेशन के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावकारी प्रतीक था, क्या आप इस कथन का आप क्या आप इस कथन सहमत हैं, उत्तर अपने उत्तर पुष्टि करें। सही बात बोला गया साथियों, यही होगा सही, आपका बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया है, दिल्ली में पढ़ने वाली एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सहारा मरुस्थल के बारे में लोगों के जीवन को जानने के लिए निर्देश देना चाहती है, उसे निम्न में से कौन सा कार्य अपने विद्यार्थियों को देना होगा साथियों, अपने विद्यार्थियों को देना होगा। सबसे पहले तो भ्रमण क्षेत्र तो एकदम इम्पोर्टेंट है साथियों, उसके बाद ए भी सही है साथियों, द्वितीय आंकड़े के आधार प्रयोजना कार्य, उसके बाद सहारा मरुस्थल का एक चलचित्र, तीनों सही हो जाएगा साथियों, मेरे अंदाज से तीनों सही हो जाएगा, ए और सी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका छात्राओं को बंगाल दुर्धर्भित आकलन पर लघु निबंध लिखने के लिए कहती है, कार्य पूर्ति उपरांत वे उन्हें दिए गए पैमाने से अपने निबंध की तुलना और सत्यापित करने के लिए कहती है, वह किस आकलन विधि का प्रयोग कर रहे साथियों, स्वमापन विधि का प्रयोग कर रहे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, राइन घाटी वेसजेस पर्वत उदाहरण है साथियों, आपका भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया है, तवारीख पर दिए गए ए बी सी पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए साथियों, आपका हो जाएगा बी सी सही है, लेकिन ए गलत हो जाएगा साथियों। बी में क्या बोला गया है, बी में बोला गया है, उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे। सही बात है। उसके बाद बोला, इन लेखों ने
शासकों के सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। दोनों सही हो जाएगा और एक गलत हो जाएगा साथियों। बी सी सही है लेकिन ए आपका जो है गलत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया उपनिवेशन शासन के दौरान अनुबंधित मजदूरों को बगानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया जाता था साथियों। आपका त्रिनिदाद में ले जाता था। कहाँ जाया जाता था? त्रिनिदाद में ले जाता था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, क्षुद्र किन दो किन दो किन ग्रहों किन क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के कक्ष के बीच पाए जाते हैं साथियों। आपका मंगल और बृहस्पति के बीच रहते हैं साथियों, मंगल और बृहस्पति के बीच रहते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया है नंबर एक बोला गया शीतोष सदाबहार वन दृढ़ काश वृक्ष, गलत हो गया। शंकुधारी वन जो होता है सिर्फ बीस सही हो जाएगा साथियों। शंकुधारी वन आपका मृद काष्ठ वन होता है, आपका बीस सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया है जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में कथन निम्न में से क्या सही है। जनसंख्या पिरामिड के बारे में बोला गया साथियों, आपका हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। बोला गया है ए नंबर कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित होती है जैसे 5 से 9 वर्ष 10 से 14 वर्ष इत्यादि, सही बात है। उसके बाद बी में बोला गया कुछ जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों उप विभाजित होते हैं साथियों, सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? राज्यसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च विधान परिषद। भारतीय संसद में विधान परिषद शामिल नहीं होता साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय लक्ष्मी ने बदलाव की शुरुआत की थी। वे उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। उसने कई कठिनाई को पार किया और इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल की सवारी की और इंजन ड्राइवर बनने का फैसला किया। यह निश्चय क्या है साथियों? यह रूढ़िवादिता तोड़ता है साथियों, सही बात है। रूढ़ियों की तोड़ रही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है बच्चे को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का उद्देश्य से किस राज्य को सर्वप्रथम मध्यान्ह भोजन, तमिलनाडु साथियों। सर्वप्रथम कौन था? तमिलनाडु था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कक्षा में विभिन्न असमानताओं के संदर्भ में चर्चा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर आपका मूल बल होगा साथियों। का ए और सी हो जाएगा साथियों। ए भी है छात्राओं को समझने की असमानताओं प्रकृति रूप से सामाजिक होती है, सही बात है। उसके बाद सी में बोला गया इस बात पर जोर देना कि लोकतांत्रिक समाज के प्रत्येक व्यक्ति समान कैसे हैं, सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है इतिहास की कक्षा में इनमें से कौन सी गतिविधि में आलोचनात्मक कौशल बढ़ने की सर्वाधिक संभावना है साथियों? कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका तीन हो जाएगा। सबसे पहले तो स्रोत की व्याख्या, सही बात है। उसके बाद सी नंबर में घटना कर्म देखना, सही बात है। उसके बाद ई में हो जाएगा साथियों तत्व और मतों को अलग करना। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया है सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में शहरों की समस्याओं के विषय में समाचार पत्रों से लेख और पत्रिकाओं से संग्रह करने के लिए कहती है। उसके उपरांत वे इस विषय पर सूचना के आधार पर छात्राओं को उनके विचार प्रस्तुत करती है और चर्चा करती है। अध्यापिका ने कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि का उपयोग किया था साथियों चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया सामाजिक विज्ञान में मूल्यांक के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है साथियों? आपका दो हो जाएगा स्रोत के संतत प्रतिपुष्टि देना छात्राओं के ज्ञान
छात्रों के ज्ञान योग्यता के माप करना और शिक्षा शास्त्रीय व्यूह रचना की पुष्टि करना साथियों का तीनों हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, सी बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, आपका बी से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल मिलान करना है साथियों। मिलान में क्या बोला गया, चार नंबर देख सकते हैं, बोला गया है कटीली झाड़ी, आपका नीम कटीली झाड़ी क्या हो सर, कटीली झाड़ी आपका तीन है कि चार है साथियों, आपका कटीली झाड़ी दो हो जाएगा साथियों। खेर हो जाता साथियों, अगर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन आपका हो जाएगा साथियों, तीन हो जाएगा अबनूस हो जाता साथियों, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाता है साथियों आपका चार, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नीम हो जाता है, अब माइग्रोव बनता है सुंदरी वन आपका फोर आंसर सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित क्वेश्चन व्यक्तित्व पर विचार कीजिए साथियों, बोला गया है नंबर एक में एक गलत है साथियों, जो सही है वो पढ़ लीजिए, बोला गया स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातत्व प्रकार है, सही बात है, स्थानांतरित कृषि को वर्तक एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है साथियों, सही बात बोला गया है, वर्तक एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है साथियों, आपका बी सी और बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट, आज का सेकंड अंतिम सवाल समाप्त हो गया साथियों, अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं।